प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, हरे कृष्णा सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज का सेशन मैं होस्ट कर रही हूँ, प्रभु जी कुछ कार्यवश बिजी हो गए तो मुझे लेना पड़ा आपकी सेवा में। वैसे आज हम काफी देर बाद श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन करने जा रहे हैं, काफी टाइम से होल्ड पे था, हम लोग नहीं ले पा रहे थे, बिजी हो गए थे। तो आज का हम चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5th। आई होप कंप्लीट कर लें, जितने आधे घंटे में हो सकता है हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, अगर नहीं भी होता तो हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानाम तिमिराम दस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदे हम श्री गुरुन् श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागर जातं सहगण ललिता श्री विशाखां तंस्यं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा, फिर से आपका स्वागत है आज के श्रील प्रभुपाद लीलामृत अध्ययन में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था यहाँ तक, आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ मैं पढ़ लेती हूँ, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए ताकि वन बाय वन हम सबको अनम्यूट करें। सन 1944 की बात है, अभय का ध्यान विशेष रूप से विश्व युद्ध के संकट की ओर गया। संसार के राजनीतिक अपने
संसार के राजनीतिक नेता अपने देशवासियों की तकलीफों और चीजों की कमी पर क्षोभ प्रकट कर रहे थे। 4 साल की लड़ाई के बाद, जिसमें लाखों जानों की आहुति पड़ चुकी थी, 20 साल के अंदर अब आने वाला दूसरा विश्व युद्ध संसार को अब भी ध्वस्त किए जा रहा था। यद्यपि युद्ध का अंत दिखाई पड़ने लगा था, लेकिन संसार के नेता इस पर उतनी प्रसन्नता और आशा नहीं व्यक्त कर रहे थे जितनी थकान और निश्चय आत्मकता। यदि इस युद्ध का अंत हो भी जाए तो क्या एक दूसरा और भी युद्ध होगा? क्या मनुष्य ने अब भी वह महत्वपूर्ण पाठ नहीं सीखा कि शांतिपूर्वक कैसे रहा जाए? अभय ने भारत के अर्थविश्व को उद्गृत किया, भगवान के मार्गदर्शन से भारत संसार को मानसिक संतुलन पर वापस ले जा सकता है। उन्होंने संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति का उद्गृत किया, इसलिए संसार ने नैतिक पुनर्स्थिरीकरण का कार्यक्रम सशस्त्र संघर्ष के खतरों को कम करने की असफल नहीं हो सका। इस तरह का नैतिक पुनर्स्थिरीकरण बहुत प्रभाव उत्पादक हो, इसके लिए इसे विश्वव्यापी समर्थन मिलना आवश्यक है। उन्होंने भूतपूर्व राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर का उल्लेख किया, जिन्होंने कहा था कि इस संसार को नैतिक और आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का एक प्रस्ताव का हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि आध्यात्मिक सिद्धांत सभी जातियों के समान धरोहर है और मनुष्य और राष्ट्रों को भी भगवान की प्रभु सत्ता को तुरंत अंगीकार करने की आवश्यकता है। उन्होंने वेंडेल विल्की का हवाला दिया, जिनमें रूस से लौटने के बाद ये रिपोर्ट दी थी कि युद्ध में लाखों रूसी मारे जा चुके थे, घायल थे या हो गए थे, और लाखों से भी अधिक लोग चीजों की भयानक कमी और प्रवस्था से शीत ऋतु झेल रहे थे। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? विश्वजीत। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा जी। जी प्रभु जी, पढ़िए। अभय ने लिखा है कि जनता के विषय में जो सत्य है वही अन्य देशों के बारे में भी सत्य है। हम भारतीयों के सभी उसकी कमी, उसकी अभाव और उसकी सब की अनुभूति से गुजरना पड़ रहा है। उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री एंथनी इडेन का उदाहरण दिया, जो युद्ध की तबाहियों पर शोक और क्रोध से भरे थे। उन्होंने कैटरबरी के आर्चबिशप को अधिक किया। संसार के हर कोने में लोग युद्ध के अभिशाप से उद्धार चाहते हैं। ऐसे संसार में रहना चाहते हैं जहां शांति लौट आई हो, और आज तक संसार की जिस कठिनाई और कटुता से उनका सामना रहा है उससे उन्हें मुक्ति मिल गई हो, लेकिन ऐसा प्रयास होता है कि वे स्वर्ग के राज्यों को उसके राजा के बिना ही चाहते है। भगवान के राज्यों को भगवान के बिना और ऐसा हो नहीं सकता। हमारा संकल्प होना चाहिए भगवान को पुनः प्राप्त करने का। हम योजनाएं
बनाते हैं। शास्त्रों के बीच भावी शांति के लिए और देश में सामाजिक सुरक्षा के लिए यह बिल्कुल ठीक है और इसकी अपेक्षा करना गलत होगा, लेकिन हमारी सारी योजनाएं मानव स्वार्थ की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो जाएगी, चूर चूर हो जाएगी यदि हम भगवान का सहारा नहीं लेते। भगवान की शरण आ जाओ इंग्लैंड की और हर राष्ट्र की यह मुख्य आवश्यकता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। नेक्स्ट तमन्ना माता जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्लीज। उन्होंने इंग्लैंड में इंग्लैंड के सर सैन फ्रांसिस्को यंग हस्बैंड से भी उदाहरण दिया। इस समय जब धर्म पर भयानक आक्रमण हो रहा है, हमारा ध्यान मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर जाता है, जो धर्म का जन्म स्थल रहा है। और अंत में उन्होंने सर्वपल्ली राधा कृष्णन को अद्भुत किया। यदि हम शांति की रक्षा ना कर सके तो ये युद्ध जीत जाने के बाद अन्य युद्धों की भूमिका सिद्ध होगा। शांति की रक्षा तभी संभव है जब शक्तिशाली राष्ट्र अपने उन उत्पादियों पर गर्व करना और शान बढ़ाना छोड़ दें जो दुर्बल राष्ट्रों के श्रम और योगदान से प्राप्त है। कदाचित सर हरकोर्ट बल्टर का यही आशय था जब उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व के सिद्धांतों में संसार की सभ्यताओं को बचाने के लिए सभी मूलभूत तत्व उपस्थित हैं। और डॉक्टर राधा कृष्णन के एक दूसरे उदाहरण के रूप में अभय ने वह व्यक्तित्व प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपनी पत्रिका के आदर्श वाक्यों में से एक आदर्श वाक्य प्रयुक्त किया। हमें विचार के संसार में अत्याचार पर विजय प्राप्त करना है और विश्व शांति के लिए संकल्प का सृजन करना है। मन को परीक्षित करने और मानव स्वभाव का संस्कार करने वालों उपकरणों का प्रयोग सामाजिक दृष्टिकोण विकसित करने में किया जाना चाहिए, जिसके बिना संगस्थान यंत्र विज्ञान व्यर्थ है। अभय ने विश्वास प्रकट किया कि भारत के आध्यात्मिक साधनों का उपयोग हर एक के लिए किया जाना चाहिए, ना केवल भारत की महिमा के संवर्धन के लिए वरन समग्र विश्व के कल्याण के लिए। आगे उन्होंने बताया कि उन्होंने बैक टू गॉडहेड पत्रिका का आरंभ कैसे किया, कैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधन के 2 सप्ताह पहले उन्होंने उनको एक पत्र लिखा था और कैसे उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें अंग्रेजी में प्रचार करने के लिए आदेश दिया था। सन 1936 ईस्वी में से अब तक मैं केवल इस सोच विचार में पड़ा रहा कि बिना किसी साधन और क्षमता के मैं इस कठिन कार्य में हाथ कैसे लगाऊं या नहीं। लेकिन चूंकि मुझे किसी ने हतसोहित नहीं किया, इसीलिए मैंने इसे सब अब आरंभ करने का साहस किया है। लेकिन अब इस समय मेरा विवेक मुझे आदेश दे रहा है कि मैं इस कार्य को आरंभ करूं। यद्यपि युद्ध की परिस्थितियों से जनित वर्तमान कठिनाइयां समाप्त नहीं हुई हैं, अभय ने कहा कि उनकी पत्रिका में भारत के महान ऋषियों के और विशेषकर भगवान चैतन्य के केवल दिव्य संदेश प्रकाशित होंगे और उनका कर्तव्य एक अनुवादक की भांति केवल उनकी पुनरावृत्ति करना होगा। वे कुछ निर्मित नहीं करेंगे और उनके शब्द लोगों को श्री भगवान की ओर वापस ले जाने वाली दिव्य ध्वनि की भांति अवतरित करेंगे होंगे।
उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉडहेड की विषय वस्तु चेतना के बिल्कुल भिन्न क्षेत्र की होने के कारण पाठकों को शुल्क लग सकता है, लेकिन उनका दावा था कि जो कोई उनका संदेश को सचमुच ध्यान पूर्वक पढ़ेगा वह लाभान्वित होगा। मिश्री थैंक यू माता जी। नेक्स्ट रेनू माता जी प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। युद्ध युद्ध शब्द लोगों को श्री भगवान की ओर वापस ले जाने वाली दिव्य ध्वनि की भांति अवतरित होंगे। उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉडहेड की विषय वस्तु चेतना के बिल्कुल भिन्न क्षेत्र की होने के कारण पाठकों को शुष्क लग सकता है, लेकिन उनका दावा था कि जो कोई उनके संदेश को सचमुच ध्यान पूर्वक पढ़ेगा वह लाभान्वित होगा। मिश्री उन लोगों को कभी मीठी नहीं लगती जो पित्त रोग से पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी मिश्री पित्त रोग के रोगियों के लिए औषध है। रोग से मुक्ति पाने के लिए यदि पित्त रोग का रोगी मिश्री का नियमित सेवन करता है तो धीरे धीरे मिश्री उसे मीठी लगने लगेगी। हम बैक टू गॉडहेड के पाठकों के लिए भी उसी प्रक्रिया की संस्तुति करते हैं। अभय ने वेदों के सनातन संदेश को प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन उस समय की संकटापन स्थिति के संदर्भ में अपने श्री भगवान और उनकी शक्तियां नामक निबंध में उन्होंने वैदिक साक्ष्य और युक्तिपूर्ण दलीलों के आधार पर श्री भगवान और एकाकी आत्माओं की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की और सिद्ध किया कि वे अमर आनंदमय और ज्ञानमय हैं। चूंकि मनुष्यों ने श्री भगवान के प्रति अपने जीवंत संबंध को भुला दिया है और उनकी उपेक्षा की है, इसलिए वे इस भौतिक संसार में कभी संतोष नहीं प्राप्त कर सकते जो अस्थाई है और अनिवार्य कष्टों से ग्रस्त है। आत्मा के रूप में हर व्यक्ति स्वभाव से शाश्वत है, इसलिए प्रत्येक जीव विपत्तियों और आपदाओं के आक्रमण से बचने का प्रयत्न करता है जो एक एक करके आती रहती हैं, लेकिन भौतिक शरीर दुख भोगने और अंत में नष्ट हो जाने के लिए है। कलकत्ता के निवासियों का जापानियों की बमबारी के डर से माता जी आपका म्यूट हो गया। नहीं माता जी म्यूट नहीं है। यस अभी हाँ जी जी बोलिए बोलिए। हाँ जी हाँ जी। कलकत्ता के निवासियों का जापानियों की बमबारी के डर से बीतने वाला जीवन उसी अनश्वर प्रवृत्ति के कारण है, लेकिन वे लोग जो इस प्रकार जीवन जी रहे हैं भूल जाते हैं कि कलकत्ता से चले जाने और जापानी बमों से बच जाने पर भी वे इस भौतिक जगत के किसी भी भाग में अपने शरीरों को अनश्वर के रूप में बचा नहीं सकेंगे। जब उन शरीरों पर तीन प्रकार के दुखों की जड़ प्रकृति की बम वर्षा होने लगेगी, जापानी भी जो दूसरों की भूमि पर अधिकार जमाकर अपना सुख चैन बढ़ाने के लिए निर्मम बम वर्षा द्वारा कलकत्ता के निवासियों को धमका रहे हैं, नहीं जानते कि उनका यह सुख चैन भी अस्थाई और नश्वर है, जैसा कि अपने ही देश में उन्होंने बार बार अनुभव किया है। दूसरी ओर जिन जीवों के वध की योजनाएं माता जी स्क्रॉल कर दीजिए, जिन जीवों के वध की योजनाएं बनाई जा रही हैं, वे प्रकृतिया शाश्वत अभेद और अदृश्य हैं। इसलिए वे सभी जीव जिनको मारने की धमकियां दी जा रही हैं और वे जो विजय की धमकियां दे रहे हैं समान रूप से माया शक्ति के वशीभूत हैं, अतएव अंधकार में हैं। अभय ने लिखा कि अपने निजी उपायों द्वारा मनुष्य कभी भी विनाश की स्थिति से नहीं बच सकता। संसार के कितने ही नेता युद्ध से मुक्ति चाह रहे थे, लेकिन वे असफल हुए क्योंकि शांति के लिए उनके सारे प्रयत्न जीवन की भौतिक धारणा से बद्ध थे। उनके प्रयत्न अंधकार को अंधकार से दूर करने के प्रयत्न के समान थे, किंतु अंधकार का निवारण तो केवल प्रकाश से ही हो सकता है। प्रकाश के बिना मनुष्य का मन जो स्वयं भी भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है, चाहे वह कितना भी चिंतन करे, जीवों को स्थायी शांति नहीं प्रदान कर सकता। उस अंधकार में संसार में शांति स्थापना के किसी भी उपाय से केवल क्षणिक सुख या दुख मिल सकता है, जैसा कि बाह्य शक्ति की सृष्टियों से हम देख सकते हैं। अंधकार में अहिंसा उसी तरह बेकार है जैसे हिंसा, जबकि प्रकाश में
ना हिंसा की आवश्यकता है और ना अहिंसा की। अभय ने एकमात्र युद्ध पर विचार नहीं प्रकट किया। थियोसॉफी एंड्स इन वैष्णविज्म नामक लेख में उन्होंने थियोसॉफी के प्रचलित विचारों की कमियों की आलोचना की, जिन्हें मैडम ब्लेवटस्की के अनुयायियों ने भारत में लोकप्रिय बना रखा था। कॉन्ग्रीगेशनल चैटिंग नामक लेख में उन्होंने इस शास्त्रीय भविष्यवाणी का समर्थन किया कि भगवान चैतन्य का संकीर्तन आंदोलन पृथ्वी तल पर हर कस्बे और गांव में फैल कर रहेगा। इस भविष्यवाणी से हमें आशा करनी चाहिए कि संकीर्तन उपासना पद्धति बहुत शीघ्र धार्मिक आंदोलन का विश्वव्यापी रूप ग्रहण करेगी और यह विश्व धर्म जिसमें भगवान का नाम भजने में कोई हानि नहीं है और ना कलह का कोई प्रश्न है वर्षों तक चलता रहेगा, जैसा कि प्रमाणिक धर्म ग्रंथों के पृष्ठों से हम जान सकते हैं। बैक टू गॉडहेड का मूल विषय स्पष्टता भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। पत्रिका के मुख पृष्ठ पर अंकित विचार मग्नशील भक्ति सिद्धांत के चित्र से, उनके समर्पण से, उनके उद्देश्य के कथन से, उनके अंकों के संपादन से, उनके थियोसॉफी के विश्लेषण से, संकीर्तन के प्रसार विषयक उनकी भविष्यवाणी से, उनके प्रत्येक पहलू से बैक टू गॉडहेड का मूल विषय शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। अन्य लेखकों द्वारा चार छोटे निबंध भी थे जिनमें एक भक्ति सारंग गोस्वामी का था। आवरण पृष्ठ पिछले पर एक विज्ञापन छपा था। गीतोपनिषद लेखक अभय चरणडे संपादक एवं संस्थापक बैक टू गॉडहेड 3 भागों में 1200 पृष्ठ रॉयल साइज उत्तम मोरक्को जिल्द साजी। विश्वख्याति हिंदू दर्शन भगवत गीता की विस्तृत टीका श्री कृष्ण ब्रह्मा नारद व्यास मधु माधवेंद्रपुरी ईश्वर भगवान चैतन्य रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी कृष्णदास नरोत्तम विश्वनाथ बलदेव जगन्नाथ ठाकुर भक्ति विनोद गौर किशोर ठाकुर सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा की श्रृंखला से वर्तमान लेखक तक सच्ची वैज्ञानिक ईश्वरवादी व्याख्या सहित बहुत से प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से लिए गए अनेक सादे और रंगीन चित्रों से अलंकृत शीघ्र प्रकाश्य अग्रिम ग्राहक बनने वालों के लिए मूल्य 18 रुपए विदेशों में 1 पाउंड 10 शिलिंग और एक दूसरा महान ग्रंथ भगवान चैतन्य 2 भागों में पृष्ठ संख्या 1000। वास्तव में इन ग्रंथों में पूरा होने में के निकट कोई नहीं था, लेकिन अभय अपनी आध्यात्मिक गुरु की ओर से ऐसे महान ग्रंथों को लिखने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त कर रहे थे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नेक्स्ट डिवोटी पढ़ते हैं भूमिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। और एक दूसरा महान ग्रंथ भगवान चैतन्य 2 भागों में पृष्ठ संख्या 1000। वास्तव में इन ग्रंथों में पूरा होने के निकट कोई नहीं था, लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से ऐसे महान ग्रंथों को लिखने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त कर रहे थे। बैक टू गॉडहेड का दूसरा अंक प्रकाशित करने में अभय को पहले जैसे ही कठिनाई हुई। उन्होंने अखबारी कागज खरीदने के लिए 2 बार अनुमति मांगी और दोनों बार सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। युद्ध के कारण कागज पर पाबंदी थी। जुलाई, माता जी ये कौन सा ईयर है? 10 जुलाई 1944। इन जुलाई 1944 को अभय ने तीसरा पत्र लिखा। सभी ने निवेदन है कि गौड़ीय वैष्णवों के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री 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 श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश अनुसार मैंने बैक टू गॉडहेड शीर्षक से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। संसार इस समय जिस अशांति से गुजर रहा है उनमें पत्रिका का नाम ही उनके उद्देश्य को सूचित करता है। उसकी एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। इस पत्रिका में आप संसार के बहुत से विख्यात राजनीतिज्ञों के भी जोरदार मत इस तरह के आंदोलन के पक्ष में पाएंगे जो निशुल आध्यात्मिक स्तर के लिए जो मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है। मानव के मन और प्रकृति को
प्रशिक्षित करके उसे मानव के सर्वाधिक अभिलेषित वस्तु विवेक की ओर वापस ले जा सकें। मुझे आशा है कि आप पत्र को पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे, विशेषकर उसके प्रस्तावना भाग के लिए। अबे ने ये सभी टिप्पणी जोड़ दी कि बैक टू गॉडहेड के संपादक मंडल को लगता है कि कागज की उतनी कमी नहीं है जितनी शिक्षा की। प्रचार के अवसर का लाभ उठते हुए अबे ने कहा, यद्यपि हर वस्तु के अंतिम पूर्तिकर्ता श्री भगवान है, नास्तिक लोग समझते हैं कि सभी चीजों के स्वामी वे ही हैं। सर्वदीपतय की प्राप्ति के लिए चल रहे वर्तमान युद्ध में जो अनर्थ निहित है, वे केवल स्वामित्व की इसी मिथ्या भावना से पोषित है। इसलिए समस्त मानव समाज में ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जो उसमें ये विवेक जगा सके कि संसार की वस्तुओं पर आखिरी स्वामित्व श्री भगवान का है। अबे ने ये हरे बोल। थैंक यू माता, थैंक यू। नेक्स्ट प्रेमलता माता जी, अनम्यूट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। समाज में ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जो उसमें यह विवेक जगा सके कि संसार की वस्तुओं पर आखिरी स्वामित्व भी श्री भगवान का है। अभय ने यह बात स्वीकार की कि भारत में सचमुच कागज की कमी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि प्राचीन युगों में प्रबुद्ध भारतीय यज्ञ की अग्नि में मानव बहुमूल्य घी और अन्न की आहुति दिया करते थे और उन दिनों इनका कोई अभाव नहीं होता था, किंतु अब परम भगवान के सभी यज्ञों का परित्याग करके लोग केवल अभाव की सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अव्ययों के बीच क्या हम मनुष्य जाति के महत्तर लाभ के लिए कुछ रीम कागज का उत्सर्ग नहीं कर सकते हैं? मेरी प्रार्थना है कि सरकार की इस विशेष मामले पर आध्यात्मिकता के प्रकाश के विचार करें, जिसमें भौतिक लेखा जोखा का मामला नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी इसी तरह के एक आंदोलन को, जिसका नाम मोरल री आर्मामेंट मूवमेंट है, सरकार ने प्रबल समर्थन दिया है। कागज के अभाव का विचार किए बिना, जो यहाँ की तुलना में वहाँ ज्यादा संगीन है, बैक टू गॉड हेड के लिए अधिक नहीं तो केवल एक पन्ना दीजिए। इसमें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉड हेड का उद्देश्य है। इसलिए कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें। मुझे हर सप्ताह या हर महीने, जैसा कि आप उचित समझें, मानवता के लिए और श्री भगवान के लिए कम से कम एक पृष्ठ ही प्रकाशित करने दे और उसे कागज की साधारण बर्बादी न समझे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। नेक्स्ट कालू माता जी, आपने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। स्क्रॉल प्लीज। या पत्र को सफलता मिली। अब प्रश्न व्यंग्य के साथ उन्होंने दूसरे अंक के आरंभ में लिखा, भारत सरकार को धन्यवाद। उन्होंने अपने पाठकों को, जिनमें से बहुतों को ये जानकर निराशा हुई थी कि सरकार ने उसके छपने पर पाबंदी लगा दी है, सूचित किया कि पत्रिका हर महीने प्रकाशित हुआ करेगी। अभय ने सरकारी कागज अधिकारी को लिखा गया अपना पत्र और अनुमति देने वाला उसका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। इस बार उनके लेख एक समाचार पत्र के स्तंभकार की सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्ति को लिए हुए पहले से छोटे थे। संसार के नेताओं और संकटापन स्थितियों पर उनकी टिप्पणियां दार्शनिक आलोचना, ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक परिहास से भरी थी। गांधी, जिन्ना वार्ता, श्रीमान चर्चिल का मानवतापूर्ण संसार,
श्रीमान बनार्ड शाह की अभिलाषा, श्री भगवान का स्वतः सफूर्त प्रेम इस अंक के लेख थे। गांधी जिना वार्ता, हमें ये जानकर दुख हुआ है कि भारतीय जनता की एकता के लिए चलने वाली गांधी जिना वार्ता संप्रति विफल हो गई है। अभय, कई संप्रदायों के नेताओं के बीच यदा यदा चलने वाली इस तरह की वार्ताओं के परिणाम के विषय में बहुत आशावान नहीं थे। यदि उन्होंने कोई सफल समाधान निकाल भी लिया तो वह भंग हो जाएगा और दूसरी समस्या का रूप ग्रहण कर लेगा। वह हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कामना कर रहे थे, लेकिन यूरोप में युद्ध करने वाली गुट सभी ईसाई थे और एशिया में अधिकतर बौद्ध थे, फिर भी वे लड़ रहे थे, इसलिए लड़ाई चलती रहेगी। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच, हिंदुओं और हिंदुओं के बीच, मुसलमानों और मुसलमानों के बीच, ईसाइयों और ईसाइयों के बीच, बौद्धों और बौद्धों के बीच, जब तक कि सबकी समाप्ति नहीं हो जाएगी। जब तक इंद्रिय सुख का दूषित स्वार्थ बना रहेगा, तब तक भाई से भाई की, पिता से पुत्र की और राष्ट्र से राष्ट्र की लड़ाई चलती रहेगी। वास्तविक एकता केवल परम भगवान की आध्यात्मिक सेवा के स्तर पर निर्भर रहेगी करेगी। अभय ने लिखा कि महात्मा गांधी सामान्य व्यक्तियों से ऊपर हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अभय ने गांधी जी को सलाह दी कि वह भौतिक स्तर पर अपने सारे क्रियाकलाप बंद कर दे और आत्मा के दिव्य स्तर तक पहुंच जाए, तभी लोगों की एकता के बारे में बातें हो सकती हैं। अभय ने महात्मा की परिभाषा के संबंध में गीता से उद्धरण दिया, महात्मा वह है जो अपना ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित करता है। उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि वह भगवत गीता की शिक्षाओं पर दृढ़ रहें और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण के संदेश का प्रचार करें। इस तरह महात्मा गांधी संसार में अपनी प्रभावशाली सिद्धि के द्वारा केवल भगवत गीता के संदेश का प्रचार करके विश्व शांति ला सकते थे। श्रीमान चर्चिल का मानवतावादी संसार, ये देखकर खुशी होती है कि श्रीमान चर्चिल जैसे विश्व राजनीति के नेता अब मानवतावादी संसार के संबंध में विचार करने लगे हैं और घृणा के भयानक राष्ट्र उन्माद से मुक्त होने की चेष्टा करने लगे हैं। घृणा का उन्माद प्रेम के उन्माद का दूसरा पहलू है। अपने देशवासियों के प्रति हिटलर के प्रेम के उन्माद ने दूसरों के लिए उसकी घृणा के उन्माद को जन्म दिया है और वर्तमान युद्ध प्रेम और घृणा के द्विपक्षीय उन्माद का परिणाम है। इसलिए जब हम घृणा के उन्माद से मुक्त होना चाहे तो हमें तथाकथित प्रेम के उन्माद से भी मुक्त होने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रेम और घृणा से मुक्त इस तरह के संतुलन की सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब लोग बलिभांति शिक्षित हों। जब तक लोग इतने शिक्षित न हो जाएं कि अपने शरीर में स्थित आत्मा को देख सके, तब तक प्रेम और घृणा का दोहरा उन्माद बना रहेगा और एक मानवतावादी संसार संभव न होगा। अभय ने समापन करते हुए लिखा कि ये आत्मनिरीक्षण श्री भगवान की सेवा से सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। अतः श्रीमान चर्चिल के मानवतावादी संसार का आशय यही है कि हम श्री भगवान की ओर उन्मुख हों। श्रीमान बनार्ड शाह की अभिलाषा, श्रीमान बनार्ड शाह ने महात्मा गांधी को उनके 76 के वे जन्मदिवस पर इन शब्दों में बधाई दी है। मैं चाहता हूं कि श्रीमान गांधी के 76वें जन्मदिवस के स्थान पर ये 35th वां जन्मदिवस होता। महात्मा गांधी की वर्तमान अवस्था से 41 वर्ष कम कर देने के श्रीमान शाह के प्रयत्न में हम सब हृदय से साथ हैं, लेकिन मृत्यु हमारी मिथ्या अभिलाषा का आदर नहीं करती। न तो श्रीमान शाह, न महात्मा गांधी और न कोई अन्य महापुरुष कभी भी मृत्यु की समस्या का समाधान दे सकता है। राष्ट्रों के नेताओं के ने संहार के उपकरण बनाने वाले बहुत से कारखाने खोले हैं, लेकिन ऐसी कोई फैक्ट्री किसी ने भी स्थापित नहीं की है जहां मृत्यु के क्रूर हाथों से मनुष्यों की रक्षा करने के लिए हथियार बनाए जाते हों। यद्यपि हमारी यही इच्छा रहती है कि हम कभी न मरे। मनुष्य हमेशा से रोटी की समस्या का समाधान ढूंढने में लगा रहता है। यद्यपि प्रकृति ने ये समस्या सचमुच हल कर रखी है, मनुष्य को मृत्यु की समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए। भगवत गीता बताती है कि मृत्यु की समस्या का समाधान हो सकता है, यद्यपि इस भौतिक संसार में मृत्यु का सर्वत्र राज है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसे इस मृत्यु लोक में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। ये एक आध्यात्मिक संसार है जो अविनाशी है और जो कोई वहां पहुंच जाता है वह फिर मृत्यु लोक में नहीं आता। संसार के नेता अपने जन्म के लिए
के ही लोग से क्यों चिपके रहते हैं जहां मृत्यु अनिवार्य है। निष्कर्ष के रूप में अभय ने लिखा, हम चाहते हैं कि अपनी वृद्ध अवस्था में श्रीमान शाह और महात्मा गांधी सम्मिलित रूप से लोगों को शिक्षित करने का प्रयत्न करें कि वह वापस घर अर्थात श्री भगवान के पास कैसे पहुंचे। हरे कृष्णा। वैसे टाइम तो हो चुका है और आरती माता जी ने हैंड रेज किया है, बट अभी टाइम हो चुका है तो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं आज की रीडिंग। शालू माता जी का फ्लो इतना अच्छा होता है कि उनको रोकने का मन ही नहीं करता और आरती माता जी को नेक्स्ट टाइम टर्न दी जाएगी। तो आज की रीडिंग यहीं हम एंड करते हैं। जैसे हमने देखा श्रीला प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया है और बैक टू गॉड हेड एक पत्रिका आती है श्रीला प्रभुपाद की, कितना संघर्ष किया उन्होंने कि एक एक पेज उनके लिए पेज के लिए उन्होंने कितना मेहनत की है, उनको पेज ही नहीं मिलते थे और आज हम लोग तो कितने सारे पेजेस तो ऐसे ही वेस्ट कर लेते हैं। वो एक इतना कीमती पेज है कि श्रीला प्रभुपाद ने इतनी मेहनत की है उस पर, तो हमें उस पर बहुत ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बैक टू गॉड महीने में एक बार आती है तो हमें उसको पढ़ना चाहिए। उसमें जैसे अभी श्रीला प्रभुपाद ने कहा कि पूरे संसार में इतनी अशांति हो चुकी है कि उसको हम सबकी आत्मा की शांति के लिए, हम सबकी मन की शांति के लिए श्रीला प्रभुपाद ने इतनी इतने प्रयास किए हैं, तो हमें उनके प्रयास को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बैक टू गॉड हेड महीने की एक पत्रिका आती है जिसका कॉस्ट होता है 35 रुपीज, तो इतना तो हम दे ही सकते हैं। ओके, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हम सब लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरि बोल हरे